Namaste Mumbai, welcome to the family of Mumbai Portraits. Thank you guys so much for coming back on YouTube channel. It means a lot to us. So, काला घोड़ा में दो तीन फोटो वॉक करने के बाद आज मैं आया हूँ काला तालाब कल्याण में फॉर अनदर फोटो वॉक. बाय द वे दिस फोटो वॉक इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय अस. ये फोटो वॉक ऑर्गेनाइज किया है शगुंदा मेमोरीज के फाउंडर प्रणव बागुल ने. तो मैं उनको थोड़ी देर में इन्वाइट करूँगा. तो पहले मैं बता दूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट फोटो वॉक कमिंग अप विद अ थीम. मतलब पहले कुछ फोटोज हुए रहेंगे जिसमें वाइट टीज या फिर ब्लैक टीज फोटोग्राफर्स के लिए थीम रहता था, लेकिन इसमें थीम है मॉडल्स के लिए एंड दैट इज़ क्रिसमस थीम. मतलब मॉडल के आउटफिट में या फिर मेकअप में कुछ ऐसा रहेगा जो क्रिसमस से रिलेट होता हो. वो हम लोग अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज़ अ सरप्राइज. एंड एज यू गाइस नो मुंबई पोर्ट्रेट्स लव्स टू गिव द सरप्राइजेस. तो अब मिल लेते हैं प्रणव से, फाउंडर ऑफ शगुंदा मेमोरीज, जिन्होंने ये फोटो ऑर्गेनाइज किया है. तो प्रणव प्लीज कम. हेलो, हाउ आर यू? फाइन, एंड यू? आई एम आल्सो फाइन. सो टेल आवर ऑडियंस की क्या है ये फोटो. मतलब इसमें चाय पी लो. तो इसमें स्पेशल क्या है? सो ये फोटो हम लोगों ने कल्याण में अरेंज किया है और न्यू लोकेशन है. सो ये खासियत है और फर्स्टली मतलब ये फर्स्ट फोटो के जो थीम के साथ आ रहा है. तो अगर लोकेशन की बात करें तो काला तालाब कल्याण ऐसा न्यू लोकेशंस क्यों? बिकॉज मुंबई में ऐसे बहुत सारे लोकेशंस हैं जो ऑलरेडी यूज्ड अप हो चुके हैं और मुंबई के बाहर भी ऐसे लोकेशंस हैं जो अभी तक यूज़ नहीं हुए हैं. तो yes. काला तालाब इज़ वन ऑफ देम जो अभी तक किसी को पता नहीं है. तो वी आर डूइंग इट हियर. काला तालाब इज नॉट लाइक बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कल्याण स्टेशन से. 10 मिनट्स वॉकिंग है, राइट? यस, 10 to 15 मिनट्स वॉकिंग. जितना मुंबई से काला घोड़ा तक लगता है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे लगता है. काला घोड़ा में दो तीन बार फोटो करने के बाद काला तालाब में हम लोग कर रहे हैं. तो दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. सो अभी आगे की बात करते हैं. फोटो वॉक एंड फोटोग्राफी अवार्ड्स है, सिर्फ फोटो वॉक नहीं है, फोटोग्राफी अवार्ड्स भी है. तो जो 5 अवार्ड्स है वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे. हर एक के लिए अवार्ड्स है. अगर कल्याण की बात करें तो कल्याण में इसलिए रखा बिकॉज इफ़ वी आर डूइंग इन कल्याण तो कल्याण के पीपल के लिए कुछ अलग होना चाहिए. दैट्स वाई बेस्ट फोटोग्राफर इन कल्याण ऐसा एक अवार्ड है नीचे, तो आप वो भी देख सकते हो. आपको अप्लाई करने के लिए लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे गूगल फॉर्म्स के, राइट? तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो. आपका एक फोटो सबमिट कर सकते हो फोटोग्राफी अवार्ड्स के लिए. फोटो शगुंदा मेमोरीज के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड होगा एंड वो अपलोड होने के बाद 24 आवर्स के लिए उसके 24 आवर्स वोटिंग टाइम रहेगा. उसमें लाइक्स के ऊपर डिपेंड रहेगा, राइट? 40% 40-60 रेशियो रहेगा. तो और क्या स्पेशल है इस फोटो वॉक में? लाइक जजिंग पैनल क्या है? ऑब्वियसली मैं तो हूँ, लेकिन और कौन कौन है? सो जजिंग पैनल में तो फोटोग्राफी रिलेटेड आप हो और मॉडलिंग के लिए दो हमारे से ज्वाइन हो रहे हैं ऑन डे. एक तो कोमल चौहान है जो 9XM जकस पे, उनका बहुत बड़ा फेमस सॉन्ग है, मराठी सॉन्ग है, मी झालो दीवाना है. yes. आप उसको भी सुन सकते हैं, आपको yes. एक पता चलेगा कि वो मॉडल कौन है. हमारे साथ निरीशा भी ज्वाइन हो रही है, निरीशा मैम, तो उसके बारे में क्रिश आपको बताएगा. तो निरीशा इज़ फ्रॉम स्टार प्लस, एक पॉपुलर टीवी शो है चंद्र नंदिनी, शी इज़ फ्रॉम दैट शो. और उनका एक अपकमिंग मूवी भी है जानी ना जानी. आई होप मैं ठीक से बोल रहा हूँ बिकॉज निरीशा को हमेशा वो बोलती है कि अब प्रोनाउंस ठीक से किया करो. तो उसका मूवी नेम आपको डिस्क्रिप्शन में शायद मैं दे दूंगा. तो जानी ना जानी है उनका मूवी है, नेपाली मूवी है, कॉलीवुड. तो वो भी आ रहा है. सो शी इज़ ऑल्सो ऑन द जजिंग पैनल. सो एज ऑफ नाउ वी आर 3 और हमारे साथ अभी आई डोंट नो कोई ज्वाइन होगा या नहीं. मोस्टली तो चांसेस बहुत कम है बिकॉज अभी
हमारे 5 अवार्ड्स के लिए 3 पैनल ठीक लग रहा है मुझे। अगर मॉडल्स की बात करें तो 10 मॉडल्स होंगे, 5 मेल एंड 5 फीमेल, उसमें नंबर वेरी कर सकता है जैसे मॉडल्स रजिस्ट्रेशन करेंगे वैसे। और हम लोग न्यू फेसेस लेने वाले हैं, वो नहीं जो ऑलरेडी फोटोग्राफ्स में परफॉर्म कर चुके हैं या फिर ऑलरेडी आप लोग इंस्टाग्राम पे देख चुके हैं, कुछ नए फेसेस रहेंगे मॉडल्स के, राइट? Yes. और कोई और मॉडल अगर आना चाहता है तो आप अपनी जो फ्रेंड मॉडल रहेगी आप उनको भी बुला सकते हैं, लेकिन वो ऑफिशियल मॉडल्स में नहीं रहेगी, उनका थीम नहीं रहेगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं फोटो वॉल के। मॉडल्स के लिए मेकअप आर्टिस्ट वगैरह सब अरेंज हो सकते हैं, तो हमारे डोडोस क्रिएशन एक करके। अगर आपके कुछ सजेशंस है ये कीड़ा अगर आपके कुछ सजेशंस है रिगार्डिंग दिस फोटो वर्क तो यू गाइस कैन कमेंट डाउन। ये कीड़ा भी कमेंट करना चाहता है तो यू गाइस कैन कमेंट डाउन और हम लोग को बता सकते हैं कि हम लोग और कैसे इस फोटो वर्क को अच्छा कर सकते हैं, राइट? और क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो स्पेशल गेस्ट लाइक मैं तो परफॉर्म नहीं करूँगा एज ए मॉडल, लेकिन निरीशा एंड कोमल विल बी परफॉर्मिंग, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, वो लोग एंड वाले पार्ट में परफॉर्म करेंगे आप लोगों के लिए, तो यू गाइस कैन शूट देम एज वेल। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। यू गाइस कैन सजेस्ट योर फ्रेंड्स जो फोटोग्राफर्स है या फिर मॉडल्स है, आप लोग उनको सजेस्ट कर सकते हो एंड यू गाइस कैन बी ए पार्ट ऑफ दिस फोटो वर्क। फोटो वर्क में ज्वाइन होने के लिए एंट्री फीस है 100 रुपीज़। उसका रीज़न क्या है वो ये बताएंगे। सो उसका रीज़न ये है कि ये फर्स्ट एवर थीम फोटो वर्क है, सो उसके लिए मेकअप्स एंड ऑल का अरेंजमेंट्स है और आपको रिफ्रेशमेंट्स दिया जाएगा। yes. और इसके साथ हर पार्टिसिपेट को यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा, पार्टिसिपेट को, विनर्स को, हर एक को मतलब सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा इन फ्यूचर। या ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो फर्स्ट थिंग कि फोटोग्राफी अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स ये फोटो वर्क में पहली बार हो रहा है, मतलब अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स भी हर एक पार्टिसिपेंट को मिलने वाले हैं, राइट? तो ये न्यू कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, आओ पार्टिसिपेट करो, न्यू लोकेशन है। सो बस मेरे तरफ से तो इतना ही कि कल्याण में कुछ भी नया होने जा रहा है तो आप लोग सपोर्ट करो, आओ कल्याण में एक बार न्यू लोकेशन देखो और ज़्यादा से ज़्यादा आपका सपोर्ट मिले, यही मेरी ये है। ओके, व्हाटएवर इट इज़। तो यही चीज़ है कि आपको नया लोकेशन देखने मिलेगा और कल्याण के जो फोटोग्राफर्स है या फिर जो भी है उनको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा कि इतने सारे फोटोग्राफर्स आ रहे हैं इन कल्याण, तो उनको भी शायद कुछ इंस्पिरेशन मिले। तो अगर आप लोगों की वजह से और हमारी वजह से अगर कोई इंस्पायर हो रहा है तो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग, आई थिंक सो। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो तो यू गाइज कैन जॉइन अस, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। वन मोर थिंग क्रिश, मैं बताना चाहूँगा कि फॉर्म फिल करते वक्त जो फोटोग्राफर्स है वो लोग अपना फ़ोटो सबमिट करना ज़रूरी है कि फ़ोटो वोटिंग के लिए। सो आपका फोटो वहाँ पे अपलोड करना फोटोग्राफ। सो बस वही एक बात है, डिटेल्स बराबर से फिल करना, क्योंकि बहुत सारे अभी तक जितने रजिस्ट्रेशन हुए उनमें बहुत सारे लोगों ने फोटो अपलोड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म फिलअप करने के लिए, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट शगुंदा मेमोरीज, उनका इंस्टाग्राम यहाँ पे, मैसेज करो सो बेटर, मैं उनको हेल्प करूंगा वहाँ पे। और एक चीज़, फोटोग्राफी अवार्ड्स विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन योर फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जो है आपके उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वो फोटो अपलोड होने वाले शगुंदा मेमोरीज के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे। फोटो मोस्टली क्रिएटिविटी और कॉन्सेप्ट देखा जाएगा कि आपको कितना अच्छा फोटो है, मतलब लाइक से सब कुछ नहीं होता कि लाइक के ऊपर आपको अवार्ड मिलेगा, कि अगर आपके कम फॉलोअर है लेकिन आपको अवार्ड नहीं मिलता है तो वो थिंग नहीं है। सो गाइस दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज़ पार्टिसिपेट करो और आओ, हम लोग मिलते हैं अगेन वन मोर टाइम इन अ डिफरेंट लोकेशन इन कल्याण एट काला तालाब आफ्टर काला घोड़ा। अगेन मैं बता रहा हूँ, दिस इज काला तला, ओके, इन कल्याण, तो काला घोड़ा मत चले जाना, राइट? सीएसटी, बोथ आर डिफरेंट पॉइंट्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे फेस पर आपको एक मुंबई पोर्ट्रेट्स का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग ऐसे ही फोटो वॉक्स एंड पोर्ट्रेट मीटअप्स एंड पोर्ट्रेट बैटल्स नई नई चीज़ें लाते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड नमस्ते मुंबई एंड नमस्ते प्रणव, थैंक यू सो मच।